हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीना कंवर हिमाचली स्पेशल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज है संडे, तो आज संडे वाले दिन मेरा व्लॉग नहीं आएगा, मतलब व्लॉग ही है, लेकिन मैं आज आपके साथ ना अपना स्किन केयर रूटीन जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो मुझे रिक्वेस्ट आई है, दो तीन बार रिक्वेस्ट आ चुकी है कि आपका जो फेस है वो बहुत ही साफ़ है, क्लीन एंड क्लियर है, कोई भी स्पॉट्स नहीं है, तो आप अपने फेस पे क्या अप्लाई करते हो, तो हमारे साथ ये शेयर करो। तो मेरी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, सब्सक्राइबर भी हैं, और वो हैं दया दीदी। तो उन्होंने मुझे कहा था, तो मैं काफ़ी टाइम से सोच क्या रही थी। मैंने काफ़ी दिनों से अपने फेस के लिए कुछ किया भी नहीं था, मतलब कम से कम मुझे लगता है कि शायद महीना ही हो गया है। महीने भर पहले मैंने कोई फेस पैक अप्लाई किया था, और बाकी मेरा इतना कोई खास स्किन केयर रूटीन नहीं है जो मैं आपको बताऊँ। तो ऐसा क्या है जो मैं अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ, आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो गाइज़, मैं अपने फेस पे रूटीन में कुछ भी अप्लाई नहीं करती हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मैं बहुत ही केयरलेस हूँ अपने प्रति। मैं मतलब रूटीन में कोई भी चीज़ नहीं करती, चाहे वो फेस के लिए हो, चाहे वो बालों के लिए हो। और जो मेरा फेस है, ये कुछ मैं बोल सकती हूँ कि मेरी मम्मी से मुझे ऐसे कुछ जीन्स मिले हैं, और हमारे जो जितनी भी हम बहनें हैं, हमारे किसी के भी डार्क स्पॉट्स जो होते हैं ना, सर्कल्स, डार्क सर्कल वगैरह, वो कुछ भी नहीं है। तीन बहनें हैं हम, तो इतना कोई खास स्पेशल स्किन केयर मैं नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ जो मैं थोड़ा बहुत लगाती हूँ कभी कभी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ मैं क्या लगाती हूँ। देखिए, ये है, ये मुल्तानी मिट्टी है। जी हाँ, और मुल्तानी मिट्टी जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, वो जो ये आती है ना, ये पत्थर वाली, यही मुल्तानी मिट्टी मैं इस्तेमाल करती हूँ। क्योंकि ये मुल्तानी मिट्टी जो होती है, ये बिल्कुल प्योर होती है, शुद्ध होती है। जो पाउडर मिलते हैं ना आजकल मार्केट में, उसमें कई बार मिलावट भी होती है, लेकिन जो ये वाली मिट्टी आती है ना, ये चक्की वाली, देखिए इस तरह से, ये बिल्कुल प्योर है, शुद्ध है, ये मुल्तानी मिट्टी ही है। तो ये मिट्टी मैं लूँगी। आप चाहें तो इसको पीस भी सकते हैं, और मैं इसको ऐसे यूज़ करती हूँ, मतलब 10-15 मिनट जब मुझे लगाना होगा ना पैक, तो उससे 10-15 मिनट पहले मैं इसको डुबो देती हूँ। तो इसको हम किस में मिक्स करके लगाएंगे, वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। हाथ से गिर रही है ये, देखिए ये कटोरी में, यहाँ पर ये देखिए आपको दिख रहा होगा, कटोरी में, छोटी सी कटोरी में लिया है मैंने, यहाँ पर थोड़ा सा कच्चा दूध है ये, एक चम्मच। तो देखिए यहाँ पे ना कटोरी में मैंने थोड़ा सा, लगभग एक चम्मच लिया है दूध, और उसके बाद ये जो मुल्तानी मिट्टी है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। आप चाहें तो पीस के भी डाल सकते हैं, पीस के जल्दी हो जाता है, और ऐसे ही डालने से ना 10-15 मिनट, आधा घंटा भी लग जाता है भीगते हुए। तो जैसे हम कोई काम करते रहते हैं ना, तो उस टाइम डाल लिया, अपना सारा काम कर लिया, जब काम से फ्री हुए तो इसको ले लिया, कोई स्पेशल इतना टाइम खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कैसे करती हूँ, आप पीस के भी डाल सकते हैं इसको, ऐसा कुछ नहीं है, आप पीस के भी इसमें डाल सकते हैं। तो इसमें ना मैंने डाल दी है मुल्तानी मिट्टी, डाल दी है कच्चे दूध में, और अभी एक और चीज़ है जो इसमें मैं डालने वाली हूँ, वो होती है जो हल्दी होती है ना, हम डेली यूज़ करते हैं घर में, कोई बोलते हैं कस्तूरी हल्दी यूज़ करो, ये यूज़ करो, वो यूज़ करो, हल्दी बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है, एक पिंच, पता नहीं आपको दिख रही होगी कि नहीं, थोड़ी सी, बिल्कुल एक पिंच, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ी सी डालनी होती है बस। तो जो हम रेगुलर कुकिंग के लिए हल्दी यूज़ करते हैं ना, बस वही हल्दी डालनी है, कोई एक्स्ट्रा आपको हल्दी और नहीं डालनी है इसमें। और बस अभी देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ना मैं, देखिए इस तरह से, और हमारा जो ये बहुत ही अमेजिंग सा फेस पैक है, ये रेडी होने वाला है, और इसके रिज़ल्ट इतने अच्छे हैं ना कि आप इसको जब यूज़ करेंगे ना, आपको तभी पता चलेगा। आप इसको पहले यूज़ कीजिएगा, और फिर जो इसके रिज़ल्ट आते हैं ना, उसको मेरे साथ आप शेयर कीजिएगा। तो यहाँ देखिए, मैंने इसको अच्छे से कर लिया है मिक्स, अच्छे से मिक्स हो चुका है ये, और थोड़ा आपको मैं ऐसे दिखा देती हूँ किस तरह से दिख रहा है ये। कि देखिए इस तरह से हो गया है, ये मिक्स कर लिया है मैंने, अगर आपको दिख रहा होगा तो इस तरह से, देखिए पतला सा इसका पेस्ट बनेगा, ये देखिए, तो
जो मुल्तानी मिट्टी है ना वो थोड़ा सा टाइम लगाती है भीगते हुए, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये आगे चम्मच में चिपकी हुई है, बहुत ज़्यादा चिकनी होती है ये, चिपक जाती है। तो आजकल ना गाइस मक्खियाँ भी हो गई बहुत ज़्यादा, तो इनको प्लीज़ आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं तो मक्खियाँ तो होना। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है ये मिक्स, और अभी है ना काफ़ी गाढ़ा हो चुका है क्योंकि जो मुल्तानी मिट्टी है वो अच्छे से भीग चुकी है इसमें। और अभी देखिए इसको मैं इस तरह से अप्लाई करना होता है हमें अपने फेस पे। तो गाइस जो मुल्तानी मिट्टी होती है ना वो हमारी जो अनइवन स्किन टोन होती है उसको ठीक करती है, जितने भी दाग धब्बे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स जो भी होता है सबको साफ़ करने में ये बहुत ही हेल्प करती है। और ऑयली स्किन वालों के लिए तो मुल्तानी मिट्टी वरदान है, क्योंकि ये हमारी स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल जो होता है उसको निकाल लेती है और हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाए रखती है। मतलब एक मुल्तानी मिट्टी से हम हर एक स्किन की मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बस इसको इस तरह से अप्लाई करना है ना, और बाद में इसको हमें ऐसे निकालना है जैसे हम उबटन नहीं निकालते हैं, उबटन थोड़ा मल के। और देखिएगा अभी देखिए वाइट है ना ये, और बाद में कितना ज़्यादा मैल निकलेगा अंदर से, तो काफ़ी ज़्यादा ये सॉफ्ट इतनी चिकनी होती है। तो जो हमने दूध लिया है ना वो कच्चा दूध है, तो उसमें पहले से ही थोड़ा वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब क्रीम होती है ना। और ये देखिए अभी मैंने फेस वॉश भी नहीं किया है, और देखिए कितना ग्लो चेहरे पे आप देख सकते हैं, देखिए कितनी ज़्यादा ग्लोइंग लग रही है स्किन। और ये ना हमारी स्किन से झुर्रियों को भी मिटाती है, तो झुर्रियाँ जल्दी नहीं आएंगी आपके चेहरे पर। और बस इसको हमें बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह से देखिए मसाज करना है, और सूखने नहीं देना है इस पैक को बिल्कुल भी, और बस थोड़े थोड़ा इसको मसाज करना है हमें। बस 2 मिनट के लिए हमें अपने फेस की इस तरह से मसाज करनी है, और उसके बाद हमें अगर गर्मियां हो तो ठंडे पानी से धोना है, अगर सर्दियां हो तो हमें ल्यूक वार्म वाटर से इसको धो देना है, और उसके बाद अच्छे से किसी मॉइस्चराइजिंग क्रीम से हमें अपने फेस को मॉइस्चराइज करना है। तो मॉइस्चराइज करने के बाद बहुत ही अच्छा ग्लो देखने को मिलेगा। तो देखिए गाइज अभी मैंने फेस को मॉइस्चराइज कर लिया अच्छे से, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट हो जाता है ना हमारा जो फेस होता है ना, बहुत सॉफ्ट हो जाता है जब हम मुल्तानी मिट्टी वाला ये पैक लगाते हैं तो। और यहाँ पे एक दो जगह पे मेरे तिल हैं, बचपन से ही है, बर्थ मार्क है ये। और बस अभी कर लिया मैंने, और बिंदी लगा लिए, फिर बिंदी के बिना अच्छा नहीं लगता। और बस अभी देखिए आपके साथ मुझे ये शेयर करना था, क्योंकि मुझे ना काफ़ी बार कई लोगों ने रिक्वेस्ट कर दी थी कि आप क्या फेस पैक अप्लाई करते हो अपने फेस के लिए, तो ये ही था वो सीक्रेट फेस पैक। और बहुत ही कोई ख़ास ज़्यादा बहुत अच्छा कुछ नहीं लगाते हैं, सिंपल गांव के लोग होते हैं, सिंपल तरीके से हमारी स्किन केयर होती है, कोई इतना ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और मिलूँगी आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, और बाय बाय।